हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ मीशो शॉर्ट कुर्ती हॉल, जिसका रेंज रहेगा अंडर 300। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने दिस ब्लू शॉर्ट कुर्ती, इसका जो पूरा प्रिंट है ये फ्रंट एंड बैक एंड इसकी स्लीव्स पे भी पूरा दे रखा है। एंड इसके अलावा जो इसकी नेक है, आप देख सकते हो नीचे थोड़ा सा वी में दे रखा है। इस नेक का क्या नाम होता है मुझे नहीं पता, बट इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था। इट वॉज अराउंड 304 एंड ये मुझे 275 में पड़ा था, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पे किया था। एंड इसके अलावा इसके अंदर आपको डबल एक्सल एंड ट्रिपल एक्सल तक मिल सकता है। ट्रिपल एक्सल तो अभी तक अवेलेबल हुआ ही नहीं है, डबल एक्सल तक ही है। एंड इसका फैब्रिक है रेयॉन। रेयॉन बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है समर्स में पहनने के लिए, रेयॉन भी एंड कॉटन भी। तो मेरी जितनी भी कुर्ती है वो सारी रेयॉन एंड कॉटन के मटेरियल में ही है, मैंने और कोई मटेरियल में मंगवाई ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था, आपको दिख रहा होगा साइड में। एक तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाइक 275 में कहाँ ही मिलेगी ऐसी सेम कुर्ती। तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थी। ऑल्दो अगर आप मीशो पे चेक करोगे तो इसी कुर्ती के जैसे बहुत सारे सेलर्स हैं जो अलग अलग प्राइस में दे रहे हैं, बट मुझे ये ज़्यादा अफोर्डेबल लगा तो इसलिए मैंने इसी सेलर से मंगवाया। एंड बहुत ही अच्छा मटेरियल आया है, मटेरियल में कोई भी इशू नहीं है। एंड अगर आपको कोई भी कुर्ती का लिंक चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसमें मैं लिंक दे दूंगी। तो नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लैक कुर्ती। ब्लैक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मैंने समर्स के अकॉर्डिंग ब्लैक एक या दो ही मंगवाए, क्योंकि समर्स में ब्लैक पहन के बाहर जाओ वो भी आफ्टरनून के टाइम बहुत ही ज़्यादा धूप लगती है एंड सर दर्द ऊपर से हो जाता है, बट ब्लैक मैं नहीं छोड़ सकती, इसलिए मैंने एक या दो कुर्ती ब्लैक कलर में मंगवाई है। ये आपको पार्ट वन या पार्ट टू में दिख जाएगी। सो फर्स्ट वन इज दिस, एंड इसके आगे पूरा वर्क कर रखा है, आप देख पा रहे हो इसके आगे पूरा ब्लैक एंड व्हाइट एंड छोटे छोटे स्टोन्स नहीं सीक्वेंस का वर्क कर रखा है, थ्रेड का वर्क कर रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। एंड ये थोड़ा सा कॉलर शेप में है, थोड़ा सा कॉलर लुक में है, तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा था पहना हुआ। एंड ये स्ट्रेट फिट में है, इसके अंदर आपको डबल से ट्रिपल एक्सल तक मिल जा रहा है। अंदर आपको चार कलर और मिलेंगे, जिसके अंदर आता है ग्रीन, ब्लू एंड थोड़ा सा वाइन शेड, बट मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ब्लैक एंड ये वाइट का कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इसका प्राइस है 367, बट आफ्टर डिस्काउंट ये मुझे पड़ा था 325 के अराउंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। लाइक कुर्ते का कपड़ा बहुत अच्छा है, ये भी सेम फैब्रिक में है रेयॉन में, एंड रेयॉन फैब्रिक ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो आपको ये समर्स में पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड जो डिज़ाइन आपको इसकी नेक पे मिलेगा, वही डिज़ाइन आपको इसकी स्लीव्स के एंड के बॉर्डर पे मिला हुआ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इस नेक्स्ट आई हैव दिस कुर्ती, जो कि पीची शेड में एंड पीची के साथ इसके अंदर कंट्रास्ट दे रखा है ब्राउन, वाइट एंड लाइट ग्रीन कलर का। पूरा जो फ्लावर वर्क दे रखा है वो पूरा प्रिंट बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, प्रिंट ऑल ओवर द कुर्ता है एंड इसकी स्लीव्स पे भी है। इसके अलावा इसके आगे बटन्स दे रखे हैं, बटन्स के साथ साथ जो इसका नेक है इसके ऊपर ही थोड़ा सा थ्रेड का वर्क दे रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड इसका जो स्लीव्स है, इसके एंड में हमें एक इलास्टिक मिलेगा, जिसकी वजह से इसका थोड़ा सा स्लीव्स का बलून लुक आया। आपने ये स्ट्रेट कुर्ता है एंड इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ये ट्रिपल एक्सल तक अवेलेबल होगा। लाइक बहुत कम कुर्ते होते हैं जो ट्रिपल एक्सल तक होते हैं, एंड जिनको नहीं आता साइज एक्सल या डबल एक्सल, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप ट्रिपल एक्सल तक ले सकते हो, या किसी को लूज पहनना हो, एक्सल हो या डबल एक्सल हो, तो भी आप ले सकते हो। एंड इसके मिड में पूरी प्लेट्स दे रखी हैं, जिसकी वजह से अगर आप थोड़े से बल्की भी हो ना तो वो थोड़ा सा स्ट्रेट फिट लुक आएगा एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। इस कुर्ते का नाम ही स्ट्रेट कुर्ता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप साइड में देख पा रहे होगे कि ये बहुत अच्छा लग रहा था। इसका फैब्रिक भी रेयॉन है, पता नहीं क्यों सारे अभी तक रेयॉन आ रहे हैं, लेकिन मैंने कॉटन के भी मंगवाए थे। कोई भी शूट जो भी मैं लगा रही हूँ, वो कोई भी शूट मेरा नहीं है, वो मैंने अपनी बहन का ऐड किया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था ये वाला शूट करने के लिए, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, तो मैंने दूसरा ऐड कर दिया ताकि आपको पता लगे क्योंकि पहने हुए कपड़ा कैसा लगता है, जो इसका फैब्रिक है, जो इसका लुक है, वो पहने हुए कैसा आता है, तो इसलिए मैं ये वाला ऐड कर रही हूँ। सो नेक्स्ट आई हैव दिस ब्लू कुर्ती, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लुक में है, पूरी प्लेन है एंड इसकी स्लीव्स भी प्लेन है, सिर्फ एंड में एक ऐसा बॉर्डर सा दे रखा है क्रीम कलर का। एंड इसके अलावा जो इसका पूरा प्रिंट दे रखा है वो इसके बॉर्डर पर दे रखा है, लाइक इसका जो नीचे का बॉर्डर है उसके ऊपर ये इतना प्यारा प्रिंट दे रखा है, मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मैंने ये वाली कुर्ती पहले भी यूज़ करी हुई है, मैं आपको अभी दूसरे रूम में होगी, नहीं तो मैं अभी आपको दिखाती कि वो मैंने बहुत बार पहनी है एंड बिल्कुल भी जो इसका प्रिंट है वो हटा नहीं, लाइक अभी भी वो एज इट इज़ ही है। थोड़ी सी कुर्ती थोड़ी लाइट हो गई होगी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हटा एंड उसको लिए हुए मुझे एक से दो साल हो गए। तो ये कुर्ती तो मस्ट बाय है बिल्कुल ही, क्योंकि मैंने ये पर्सनली यूज़ कर रखी है बहुत टाइम से, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। एंड इसका प्राइस सुन के तो आप पक्का ले ही लोगे, क्योंकि इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 212 है।
212 रुपये। एंड अगर आप इसको प्रीपेड ऑर्डर करोगे तो ये ऑलरेडी आपको 180 तक की पड़ जाएगी। 180 में इतनी प्यारी कुर्ती है। एंड ये मैंने साइज मंगवाया था डबल एक्सल। एंड इसके अंदर आपको बेस्ट पार्ट ये भी है कि आपको ये ट्रिपल एक्सल तक मिल जाएगा। एंड इसका फैब्रिक भी सेम है रियॉन। रियॉन मैंने सारे ही रियॉन क्यों मंगवाए पता नहीं, लेकिन इसका फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको पहने हुए आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ हैवी पहन रखा है। बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है। एंड इसका जो लुक है वो और ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप थोड़े से बल्कि हैं, थोड़े से फैटी हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देगा। बिल्कुल भी आपको बल्कि लुक नहीं देगा। एंड इसका जो मिडल है, मिडल पार्ट के यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं इसको, हाँ मिडल पार्ट के यहाँ पे प्लेट्स दे रखी हैं, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा स्लिम फिट लुक आता है। अदरवाइज ये वाला कुर्ता बहुत ही अच्छा है। लाइक 180 या 190 अगर आप प्रीपेड ऑर्डर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इससे ज़्यादा कम में तो मिलेगा नहीं। अगर आपको 200 में भी मिल रहा है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो नेक्स्ट आई हैव दिस पर्पल कुर्ता जो कि बहुत ही अच्छे प्रिंट में है। इसके अंदर कॉन्ट्रास्ट दे रखा है वाइट का एंड लाइट पर्पल कलर का, जिससे पूरे फ्लावर्स का प्रिंट दे रखा है। एंड ये प्रिंट ऑल ओवर द कुर्ती है। इसकी स्लीव्स पे भी सेम ही है। इसके अलावा अगर आप इसके नेक को देखोगे तो नेक के ऊपर थोड़ा सा वर्क दे रखा है। ये वी शेप का नेक है एंड इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क दे रखा है, जिसके अंदर पिंक ये येलो तो नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा लाइट येलो होता है ना वो वाला, एंड पर्पल इसके साथ साथ सिल्वर कलर का पूरा वर्क कर रखा है। तो ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरा कॉन्ट्रास्ट में आ गया था, इसलिए मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसके अलावा यहाँ पे भी पूरी बीच में प्लेट्स दे रखी हैं, आप देख पा रहे होगे, साइड में मैं ऐड कर दूंगी, जो पूरी प्लेट्स दे रखी हैं उस वजह से ये आपको थोड़ा सा स्लिम फिट लुक देगा। एंड इस कुर्ती का फैब्रिक कॉटन है। कॉटन आप इजीली समर्स में वेयर कर सकते हो, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। इसका प्राइस थोड़ा सा हाई है बाकी कुर्तियों के अकॉर्डिंग। इट वॉज अराउंड 363 एंड ये मुझे पड़ा था 340 के अंदर। लाइक 340 में कुछ ऐसा बुरा है नहीं, क्योंकि इसके पूरे नेक पे वर्क भी कर रखा है एंड वी शेप का नेक है, तो वो बहुत ज़्यादा कम मिलता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको एक और कलर मिलेगा, जो कलर मेरे को बिल्कुल इतना अच्छा नहीं लगा था। उसके अंदर ब्लू ब्लैक एंड लाइट ब्लू शेड था, तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया वो वाला। एंड इसके अलावा अगर आप देखो तो इसके अंदर भी आपको ट्रिपल से 4XL तक ईजिली मिल जाएगा। जितनी भी डबल एक्सल और ट्रिपल एक्सल वाली गर्ल्स हैं तो वो ईजिली ये पहन सकती हैं, ईजिली इसको बाय कर सकती हैं। एंड ये बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो अगर आपको लेना है तो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको कोई और होल देखना है हील्स का, बैग्स का, ज्वेलरी का, तो वो भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। सो नेक्स्ट आई हैव दिस ए लाइन कुर्ती। इसका फैब्रिक भी रियॉन है एंड ये ए लाइन है क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट है। एंड ये भी अगर आप पहनोगे तो ये भी थोड़ा सा स्लिम फिट लुक ही देगा। ऑल्दो ये मैंने डबल एक्सल में मंगवाया था, लेकिन इसके अंदर आपको ट्रिपल एक्सल तक अवेलेबल रहेगा। इसके पूरे कुर्ती पे प्रिंट दे रखा है, सेम प्रिंट पूरे पे है। एंड इसका जो नेक है उसके अंदर भी कुछ ज़्यादा नहीं कर रखा है, लाइक ये नीचे से हल्का सा वी में है। मुझे इस नेक का नाम नहीं पता कि इसे क्या कहते हैं, बट अदरवाइज इसके ऊपर सेम प्रिंट दे रखा है। बट इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ और सिर्फ 188 का है। एंड ये मुझे पड़ा था 160 के अराउंड, क्योंकि मैंने प्रीपेड ऑर्डर किया था तो ये और ज़्यादा सस्ता हो गया था। लाइक 160 या 170 के अंदर आपको और क्या ही मिलेगा। अगर आप ये दो तीन बार भी पहन लो ना तो कपड़े का पूरा प्राइस निकल जाता है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको लेना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो नेक्स्ट आई हैव दिस कुर्ती जो कि जयपुरी प्रिंट में है। इसका जो पूरा प्रिंट है वो ऑल ओवर द कुर्ती दे रखा है एंड इसका प्राइस इतना ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसकी लुक बहुत प्यारी है एंड ये बिल्कुल भी पतला कपड़ा नहीं है, कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, बहुत ही अच्छा कपड़ा है। एंड ये मैंने धूप में भी पहन के देखा था, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। इसका फैब्रिक कॉटन है, बाकी सारे रेयन थे, इसका फैब्रिक कॉटन है एंड ये बहुत ही अच्छे प्रिंट में आया था। बस सेम एक ऐसा है बट वो अलग कलर में है एंड उसको मैंने वॉश भी करवा के देखा है, बिल्कुल भी कलर फेड नहीं होता। इसका जो नेक है वो भी सेम दे रखा है, छोटा सा ऐसे वी दे रखा है, मुझे अगेन नहीं पता इसका नाम। एंड पूरा जो प्रिंट है वो ऑल ओवर द कुर्ती है। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ पहनोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। एंड इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसका प्राइस है 199 एंड ये मुझे पड़ा था 180 का। लाइक 180 में इतना प्यारा कुर्ता एंड इसके अंदर भी आपको ट्रिपल एक्सल तक अवेलेबल है। ट्रिपल एक्सल के साथ साथ इसके अंदर आपको चार कलर और अवेलेबल रहेंगे। एक आता है पिंक कलर का, एक आता है थोड़ा सा पर्पल शेड में एंड पर्पल शेड के अलावा आता है थोड़ा सा ग्रे शेड में। लेकिन मुझे सबसे अच्छा यही लगा क्योंकि एक तो ये यूनिक कलर है एंड इसका जो पूरा कॉम्बिनेशन दे रखा है कलर का बहुत ही अच्छा दे रखा है। लाइक जयपुरी प्रिंट मुझे बहुत
बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने ये वाला लिया था। एंड ये एक मस्ट बाय है, लाइक 180 रुपीज़ में तो इससे अच्छा मिल ही नहीं सकता। सो नेक्स्ट आई हैव दिस चिकनकारी कुर्ता। ये आपने पूरे इंटरनेट पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा वायरल हुआ है। एक ये वाला कलर एंड एक इसका कलर है ब्लैक कलर का, जिसके अंदर जो ये पूरा थ्रेडवर्क है वो वाइट कलर में दे रखा है। इतना ज़्यादा वायरल हुआ है इसीलिए मैंने ये वाला मंगवाया था। पहले मैंने एक और बार मंगवाया था, वो दूसरे ब्रांड से था, लाइक दूसरे सेलर से था, लेकिन वो वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। मुझे रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसका जो फ्रंट है लुक बहुत प्यारा है, इस कुर्ते का फैब्रिक भी बहुत प्यारा है, कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, लेकिन इसके अंदर मुझे एक ही कमी लगी जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसका प्राइस भी थोड़ा सा हाई था बाकी कुर्ती के अकॉर्डिंग। इट वॉज अराउंड 345 मैंने ये वाली क्वालिटी एक्सपेक्ट नहीं की थी। इसके अलावा मैंने एक और कुर्ती मंगवाई थी जो कि सेम फैब्रिक में थी, मैं वो भी साइड में ऐड कर दूंगी। उसका प्राइस भी सेम था, लाइक 300 के अराउंड था, ये शायद 250 के अराउंड था, लेकिन उसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा आया था, उसका लुक भी बहुत अच्छा आया था, एंड उसके अंदर मुझे कोई कमी नहीं लगी थी। एंड इसके अंदर जो मुझे कमी लग रही है वो एक ही कमी लग रही है कि इसके ऊपर जो ये थ्रेडवर्क है उसके आसपास पूरा ब्लू कलर की ना डॉट्स है, लाइक कोई इंक की डॉट है या पता नहीं क्या चीज़ है, ये पूरे में ही है, जो पूरा फ्रंट है ना पूरे में ही है, तो मुझे इसके लिए वही कमी लगी। एंड उसके अलावा मुझे इसकी कोई कमी नहीं लगी, प्राइस के अकॉर्डिंग भी ये ठीक है, लेकिन अगर ये डॉट्स ना होती तो शायद मैं रख लेती, इसलिए ये मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। अदरवाइज इसके अंदर भी आपको डबल या ट्रिपल एक्सल तक अवेलेबल रहेगा, एंड इसके अंदर भी आपको 4 से 5 कलर अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट आई हैव दिस जयपुरी प्रिंट कुर्ती। अगेन मुझे जयपुरी प्रिंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये 3-4 मंगवाई थी। एंड इसके अंदर आप ऊपर देख पा रहे होगे इतना ज़्यादा जयपुरी प्रिंट नहीं है, लेकिन जो इसका नीचे का बॉर्डर है वो पूरा फ्रंट एंड बैक पूरा जयपुरी प्रिंट में दे रखा है। एंड इसके अंदर आपको फ्रंट पे पूरे बटन्स मिलेंगे, लाइक 6-7 बटन, लाइक पूरे पे ही बटन है, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं पे बटन ना हो, पूरे पे ही बटन है। एंड इसका जो प्राइस था वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल था, अगर हम इसके प्रिंट और फैब्रिक को देखें तो फैब्रिक इसका कॉटन है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एंड इसका जो प्राइस था वो था 280 रुपीज़। 280 के अंदर मुझे डिस्काउंट मिला था जो मुझे 270 के या 260 के अराउंड पड़ा था, तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अगर हम इसकी कुर्ती एंड इसकी क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही अफोर्डेबल है, एंड इसके अंदर भी आपको डबल एक्सल तक मिलेगा, बट मैं प्रेफर करूँगी कि अगर आप एक्सल हो तो आप डबल एक्सल ही लो। लाइक मैं एक्सल पहनती हूँ तो मैंने डबल एक्सल ही लिया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो बटन्स वाली कुर्ती होती है ना, तो उसके अंदर आपको डबल एक्सल ही लेना चाहिए। लाइक बार बार बटन खुलता रहता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है ना, तो उससे अनकंफर्टेबल फील होता है, तो इसीलिए अगर आप एक्सल के हो तो आपको डबल एक्सल लेना चाहिए। डबल एक्सल से ऊपर इसके अंदर साइज़ नहीं है, बाकी सब में ट्रिपल या 4XL तक साइज़ था। अगेन आई हैव दिस जयपुरी शॉर्ट कुर्ता जो कि बहुत ही अच्छे प्रिंट में है, थोड़ा सा जयपुरी प्रिंट दे रखा है, ज़्यादा नहीं है, हल्की हल्की लाइनिंग्स दे रखी है, एंड ये सेम प्रिंट ऑल ओवर द कुर्ता है, आप साइड में देख पा रहे होंगे। इसका जो फ्रंट नेक है वो वी शेप में है, वी शेप के अलावा अगर हम देखें तो मिडल में आके ना वो भी थोड़ा सा वी शेप दे देता है, लाइक ये जो डिज़ाइन दे रखा है ना जहाँ पे ये पूरी क्या कहते हैं इसे प्लेट्स, जहाँ पे ये पूरी प्लेट्स आ रही है उसके मिडल में आकर भी थोड़ा सा वी शेप का डिज़ाइन दे रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन भी नहीं कह सकते, पैटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, आप साइड में देख पा रहे होंगे। इसके अलावा इसके अंदर भी आपको ट्रिपल एक्सल तक साइज़ मिलेगा, और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस है इसका 297 जो कि मुझे 280 में पड़ा था। इसके अंदर आपको दो कलर और मिलेंगे जो कि बहुत ही अच्छे प्रिंट में है, एक लाइट पिंक है एंड एक डार्क पिंक है। इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट बाय करना हो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई और हॉल देखना हो, बंजारा मार्केट, हील्स, कुर्ती, तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले, मैं यहाँ पे अपना यूजर नेम दे दूंगी। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। बाय।